हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो के साथ। दोस्तों, पिछली बार हमने रोबो एलिमेंट में से एक ऐसा स्विच मंगाया था जो कि 6 पिन का था और डबल पोल डबल थ्रू यानी कि DPDT स्विच था। अभी इसके अंदर मैंने स्विच तो मंगवा लिया, पर मुझे एक प्रॉब्लम ये हो रही है कि मैं इसको यहाँ पे प्रेस करूँगा तो वो कुछ देर तक वहाँ पे रहेगी इस तरह से जब तक मैं प्रेस कर रहा हूँ, पर अगर मैं इसको छोड़ देता हूँ तो क्या होता है, वो अपनी वापस जीरो पोजीशन में आ जाता है। सेम उसी तरह से अगर मैं ऊपर की साइड रखूँ तो भी यही होता है कि जब तक मैं इसको प्रेस करके रखता हूँ तब वो रहेगी वहाँ पे उस पोजीशन में, अगर मैं छोड़ देता हूँ तो ये अपनी जीरो पोजीशन में वापस आ जाती है। पर हमारी जो एप्लीकेशन है वो कुछ ऐसी थी कि जिसके अंदर हमें, अगर मैं स्विच को ऑन करूँ तो यानी जब जहाँ पर भी मैं इसको प्रेस करूँ वहीं पे रहनी चाहिए। जैसे कि ये स्विच के अंदर आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने ये नंबर पे रखा, एक नंबर पे तो वहाँ पे है, और अगर 0 नंबर पे रखता हूँ तो यहाँ पे रहती है। तो ऐसी स्विच हमें चाहिए थी, पर उसकी जगह हमें ये स्विच मिल गई। कोई बात नहीं, आज मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊँगा कि कैसे आप इस स्विच को मॉडिफाई करके इस टाइप का स्विच बना सकते हो, वो भी एकदम जीरो दाम में। यानी कि छोटा सा मॉडिफिकेशन ही है इस स्विच के अंदर, पर क्या है कि हमें पता नहीं होता है ना कि ये स्विच में वो मॉडिफिकेशन कैसे करना है, और इसकी प्राइस भी थोड़ी ज़्यादा है तो हम सबको डर लगता है कि ये बेकार जाएगा या ऐसा कुछ होगा। तो ऐसा नहीं है, इसके अंदर छोटा सा मॉडिफिकेशन करोगे तो आपकी स्विच भी इस तरह से, यानी कि ये जो स्विच काम कर रही है उसी तरह से काम करती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो स्विच है इसके दोनों साइड में दो छोटे छोटे होल है, तो ये होल को यहाँ पे देखिए, ये जो स्लॉट दिखा है ना इसको प्रेस करना है, यानी कि अंदर की ओर इसको दबाना है, और ये जो ऊपर वाला ये स्विच है ना उसको बाहर निकाल लेना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक, मेरे पास छोटा सा स्क्रू ड्राइवर है तो इसकी मदद से इसको बाहर निकाल लेता हूँ। इसको एकदम आराम से खोलना है, कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है, वरना अगर ये टूट गया तो आपका जो पूरा स्विच है वो खराब हो सकता है और आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो ज़्यादा जल्दबाजी मत कीजिए, आराम से इसको खोल दीजिए। तो फाइनली हमने ये जो स्विच है उसको खोल लिया है, देख सकते हो आप। यहाँ पर देखिए ये जो है, यहाँ पे दो स्प्रिंग दिया हुआ है इस साइड, ये जो है वो दो स्प्रिंग दिया हुआ है, और यहाँ पर भी दो बड़े बड़े स्प्रिंग दिए हुए। तो हमें क्या करना है वो मैं आपको बता दूँ कि ये जो दोनों स्प्रिंग है ना उसको निकाल लेना है, और ये जो अंदर वाली जो पत्तियाँ है ना दोनों, यहाँ पे आप देखिए ये निकल चुकी है, तो इसको हम लोग फिर से पहले जैसी कर देते हैं। ये हो गई हमारी स्विच पहले जैसी, ठीक है, दोनों पत्तियाँ हमने लगा दी और ये जो दोनों स्प्रिंग है वो भी हमने निकाल लिया। अभी हम लोग ये जो हमारा ऊपर का स्विच जो है उसको वापस लगा देंगे। तो चलिए इसको मैं फिर से लगा देता हूँ। लगाते वक्त भी आपको थोड़ा सा सावधानी रखनी है कि ये जो दोनों साइड की इसकी ये है नॉब वो टूटे ना। तो देखिए यहाँ पर दोनों साइड में ये फिट हो चुका है। अभी ये जो हमारी स्विच है वो 0 नंबर यानी कि बीच में है। अभी मैं इसको प्रेस करता हूँ, 1 नंबर पे प्रेस करता हूँ। तो देखा आपने क्या हुआ, जैसे मैंने पहले नंबर के ऊपर प्रेस किया तो वो उसी पोजीशन में रहा। देखिए सेम उसको अगर मैं दूसरे नंबर की स्विच पे रखता हूँ, दूसरे नंबर की पोजीशन पे, तो देखिए क्या होता है, दूसरे नंबर की पोजीशन पे आ गई। अभी आपको एक क्वेरी ये होनी चाहिए कि हमने ये जो स्प्रिंग तो निकाल ली तो क्या इसका फंक्शन पहले जैसा रहेगा। तो चलिए एक बार मैं मल्टीमीटर लेके आपको यहाँ पे इसकी पोजीशन इस साइड रख के कंटिन्यूटी दिखा रहा हूँ, और इस साइड पे रख के भी दोनों की कंटिन्यूटी दिखाऊंगा। अगर दोनों में कंटिन्यूटी दिखा रहा है सेम, तो हमारी जो ये स्विच है वो वर्किंग कंडीशन में है। तो चलिए अभी मल्टीमीटर को ले लेते हैं, और मल्टीमीटर को हमें यहाँ पे बजर के रेंज में रखना है। तो यहाँ पे मल्टीमीटर को बजर की रेंज में हमने रख दिया है। अभी ये स्विच हमारी पहले नंबर की पोजीशन पे, ये जो हमारी स्विच के अंदर ये दोनों जो पिन है, बीच वाली जो पिन है वो हमारी कॉमन रहती है, तो एक वायर हम लोग बीच वाली पिन के ऊपर लगाते हैं,
और दूसरा वायर को यहाँ पे लगाते हैं। तो चलिए हमें कंटिन्यूटी नहीं दिखाई दे रहा है, अभी सेम वही वायर यहाँ पे लगा देते हैं। तो देखा आपने, हमें कंटिन्यूटी दिखाई दे रही है, यानी कि हमें जो एक नंबर की पोजीशन पे रखा तो हमें ये वाली दोनों जो स्विच है वो कंटिन्यूटी दिखाई दे रही है और यहाँ पे नहीं दिखाएगा। सेम उसी तरह से हम लोग यहाँ पे रख के इस साइड देखेंगे तो हमें ये कंटिन्यूटी दिखाएगा, यानी कि जब ये स्विच एक नंबर की पोजीशन पे रहेगी तो ये दोनों और ये दोनों जो हमारी पिन है वो कनेक्ट होगी। चलिए अभी यहाँ पे इसको दूसरे नंबर के पिन के ऊपर लगा देते हैं और यहाँ पे सेम बीच वाले में रखना है और यहाँ पे नीचे की ओर कनेक्ट करेंगे तो हमने कंटिन्यूटी दिखाएगा, अगर ऊपर की ओर अब हम रखेंगे तो कंटिन्यूटी नहीं दिखाएगा। सेम उसी तरह से इसमें भी हम लोग यहाँ पे रखते हैं और ये जो नीचे की ओर रखेंगे तो कंटिन्यूटी दिखाएगा। अभी ये स्विच को मैं ऑफ कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने स्विच को जीरो पे रखा है तो हमें कहीं पर भी कंटिन्यूटी नहीं दिखाना चाहिए। तो यहाँ पे चलिए इसको बीच में रख के एक बार चेक करते, तो यहाँ पे हमें कंटिन्यूटी नहीं दिखाई दे रहा। सेम उसी तरह से यहाँ पर भी हमें कंटिन्यूटी नहीं दिखाई दे रहा है और अगर हम लोग इसको पलट के फिर दूसरी साइड भी चेक करेंगे तो यहाँ पर हमें दोनों में से कोई भी एक भी साइड कंटिन्यूटी नहीं दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आप भी, अगर आपके पास ऐसी स्विच आ गई है तो इसके अंदर छोटा सा मॉडिफिकेशन करके इस टाइप का स्विच बना सकते हो।